हम सब ये तो जानते ही हैं कि हीरा यानी डायमंड सबसे कीमती चीजों में से एक है। सदियों से हीरों को हाई सोशल स्टेटस का सिंबल माना गया है। हीरों के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां हुई और कितने साम्राज्यों का अंत हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये हीरा सबसे पहले किसको और कहां से मिला होगा? हीरा कहां पाया जाता है? इसे बनाया कैसे जाता है? क्या इंसान लैब में हीरो को बना सकता है? और असली हीरे की पहचान कैसे करें? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी धरती काफी रोचक है और ये अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है, जिससे ये पर्दा हटाने की कोशिश साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आए दिन करते रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय धातु धरती के गर्भ में हजारों वर्ष पहले मिला था। ऐसा माना जाता है कि हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले हमारे देश के गोलकोंडा एरिया यानी कि आज के हैदराबाद में समुद्री तट पर रेत में हुई थी। भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरों की धरती भी शायद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी तक हमारे देश के अलावा किसी भी और जगह पर हीरा पाया ही नहीं जाता था। आज भारत में हीरे की खदान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। वैसे हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती हीरा कोहिनूर भी, जो आज ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा हुआ है, हमारे देश के गोलकोंडा एरिया में ही मिला है। इतना ही नहीं, और कई अनमोल हीरे जो हमारे भारत में पाए गए थे आज विदेशियों के म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हीरा देखने में जितना सुंदर होता है उसे बनाने की प्रक्रिया उतनी मुश्किल होती है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स की माने तो जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद गर्म माहौल होता है। यहाँ बेहद भयंकर टेम्परेचर और उच्च दबाव के बीच कार्बन के अणु बेहद अनोखे ढंग से और मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़कर हीरे में बदल जाते हैं, जिसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियां और कभी कभी भूकंप जैसी प्राकृतिक गतिविधियां इन हीरों को ऊपर ले आती हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। और हम आपको बता दें कि अगर हीरे को अवन में 750 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, क्योंकि दरअसल हीरा और कुछ नहीं बल्कि कार्बन के एटम्स का समूह होता है जो आपस में काफी करीब होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो हीरे बनाए जाते हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने भी इजाद किया कि कोयले की तरह जानवरों और इंसानों के टिश्यूज को भी हीरे में तब्दील किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि क्योंकि जीवन का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से हुआ है, इसीलिए इनके टिश्यूज में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की अच्छी खासी मात्रा होती है। मान लीजिए अगर किसी मरे हुए इंसान या जानवर के शरीर से पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो उसके टिश्यू में सिर्फ कार्बन ही बचेगा, और फिर उन टिश्यूज पर ज्यादा टेम्परेचर और दबाव का इस्तेमाल करें तो उसे भी हीरा बना सकते हैं। अगर आपको ये प्रक्रिया सुनने में अविश्वसनीय लग रही है तो हम आपको बता दें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के चलते दुनिया की कुछ कंपनीज आज के टाइम में नामुमकिन लगने वाले काम को बड़े ही सफलतापूर्वक रूप से अंजाम दे रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से हीरे बनने में काफी समय और पैसे का उपयोग होता है, इसीलिए इस तरह से बनाए हुए हीरों को खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा भी वाष्पीकरण यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन से भी हीरे को बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन के एटम्स को भाप बनने दिया जाता है, इससे वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। फिर उस भाप को होस का इस्तेमाल करके जमा किया जाता है और उसमें कुछ खास तरह के रसायन की मिलावट की जाती है। इस तरह से कार्बन के एटम्स हीरे के जैसी बनावट हासिल कर देते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स उसे काट कर और पॉलिश करके असली हीरो जैसी चमक दे देते हैं। इन तरीकों से बनाए गए हीरे इतने असली दिखते हैं कि हम तो छोड़िए, कोई जोहरी भी असली हीरे और इन तरीके से बनाए हुए हीरो में आसानी से फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक प्रकृति से मिली हुई धातु है और दूसरे कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हीरा, इसलिए दोनों में फर्क तो जरूर होता है। और इस फर्क को पहचानने के लिए जोहरी खास तरह के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। असली और नकली हीरे की बनावट की बात करें तो असली हीरे की बनावट बेहद ही ऊबड़ खाबड़ होती है, जबकि आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाला हीरा अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको असली और नकली हीरों में फर्क बताती है। अगर असली हीरे की बात करें तो पानी में फेंकते ही असली हीरा डूब जाता है,
जबकि नकली हीरा पानी में तैरने लगता है। ये भी कहा जाता है कि अगर असली हीरे को किसी अखबार पर रखा जाए तो इतना पारदर्शी होता है कि आप उसके पार से अक्षरों को पढ़ सकेंगे। असली हीरे का एक और प्रमाण ये भी है कि असली हीरा सूरज की किरण में नीले रंग की किरण को छोड़ देगा, जबकि नकली हीरा हल्की पीली या हरी रोशनी छोड़ता है। वैसे तो इस कीमती और दुर्लभ चीज को पाना न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों का भी सपना होता है और लोग इसे एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में खरीद लेते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये रत्न धारण करने से उस व्यक्ति की जिंदगी पर शुभ या फिर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया भर में मशहूर कोहिनूर हीरे ने कई राज परिवारों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। खैर, ये सारी चीजें तो मानने और ना मानने के ऊपर होती है। वैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में दुनिया के किन देशों में हीरों की सबसे बड़ी खान है? हमें कमेंट्स में उसका नाम जरूर बताएं। उम्मीद है आज के हमारे इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगले वीडियो तक टेक केयर एंड बी happy.